हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम मराठा राज, मराठा स्टेट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और उसके साथ मराठा परिसंघ यानी कि मराठा कॉन्फेडरेसी की तरफ बात आपसे करेंगे, जो कि 1720 से लेकर 1818 एडी तक चलने वाला है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 24। इससे पहले 23 लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं आरआरबीज और एसएससीज की, इसमें आपको काफी इनसे हेल्प मिलने वाली है। और ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड, यानी कि शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो हम मराठा के बारे में बात करें तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी, शिवाजीराव। शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 में हुआ था। 1627 में कहां पर हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। इसकी तरफ आगे हम बढ़ते हैं तो शिवाजी जो थे 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कहां? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। यदि हम इनके प्रमुख जो संत हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात करें तो ज्ञानदेव या फिर इनको ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये प्रमुख संत हुआ करते थे महाराष्ट्र के। इसके बाद आगे बढ़े तो हम बात कर रहे हैं ये इनके जो मंत्री परिषद की बात करें तो इनको बोला जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान इनको बोला जाता था। और इसमें भी हम बात करें प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था? पेशवा बोला जाता था। जो आपने पेशवा बाजीराव मूवी देखी होगी उसमें पेशवा जो पोस्ट है इसमें बोला जाता था किसको? प्रधानमंत्री को। तो अष्टप्रधान जो होते थे इनके, इसमें भी एक प्रधानमंत्री पोस्ट थी यानी कि जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था उसको प्रधानमंत्री यानी कि क्या बोला जाता था? पेशवा। आगे बात करें इसमें थोड़ा और बात करें तो सेनापति एक होता था, सेनापति यानी कि जो कि सैन्य प्रधान होता था इसको बोला जाता था सरी ए नौबत। साथ ही में राजस्व मंत्री को बोला जाता था अमात्य। और जो सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था उसको बोला जाता था वाक्यानवीश। और राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना ये चिटनिस बोला जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता था। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाले को बोला जाता था राव, राव पोस्ट थी पंडित राव बोला जाता था। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? न्यायाधीश। तो ये अष्ट प्रधान थे, 8 पोस्ट थी, उनके अकॉर्डिंग जो मराठा में उनको क्या बोला जाता था वो बताया गया। तो प्रधानमंत्री को बोला जाता था पेशवा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किंगडम और उनकी टेरिटरीज दी हुई है पेशवा, गायकवाड़, भोंसले और होलकर्स, और उसकी टेरिटरीज बताई हुए हैं। तो होलकर्स आपने सुना होगा, इंदौर में होलकर्स हैं, तो ये इनकी टेरिटरीज थी इंदौर में होलकर्स की। पेशवा किस रीजन में कर रहे थे? तो पुणे साइड में। गायकवाड़ जो थे ये बड़ौदा साइड में, और जो भोंसले थे ये नागपुर एरिया में अपना रूल कर रहे थे। तो यदि हम ऑप्शंस के हिसाब से चले तो ए सेकंड को फॉलो करेगा, बी फोर्थ को, जो गायकवाड़ है ये बड़ौदा में, भोसले जो है नागपुर में, और होलकर्स हैं ये इंदौर रीजन में। तो ए इस तरह से हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी वाज क्राउन इन द ईयर, यानी कि किस वर्ष में शिवाजी की ताजपोशी हुई। तो किस वर्ष में इनकी हुई थी ताजपोशी यानी कि इनको क्राउन पर बिठाया गया था? तो इनकी बात करें तो फिफ्थ ऑफ जून 1674
5th जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से जो गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। तो कब इनको ताजपोशी दी गई? 1674 ईस्वी में इनको ताजपोशी दी गई। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी डाइड इन द ईयर यानी कि किस वर्ष शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अब शिवाजी के बारे में थोड़ा और जाने तो इनको 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में क्या हुआ था, शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। यानी कि ये मई के आसपास इनको कैद किया था औरंगजेब ने और ये कब, अगस्त 16th ऑफ अगस्त को यहां से भाग निकले थे। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी जो मृत्यु है ये 53 वर्ष की उम्र में यानी कि 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब इनकी मृत्यु हो गई थी, 1680 में इसकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान, अभी हमने बात की अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री जो राज्य का शासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करेगा। उसमें शिवाजी जो थे इन्होंने दरबार में कौन सी भाषा, मराठी भाषा के रूप में अपने दरबार में प्रयोग की थी। मराठी, मराठा कहा जाता था इनको, तो मराठी भाषा जो थी इनने प्रयोग की थी अपने दरबार में। शिवाजी की जो सेना थी तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त, जो पागा सेना थी उसमें नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलहेदार यानी कि अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल जो पैदल सैनिक थे वो थी। अब हम इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो जो शिवाजी का उत्तराधिकारी था कौन, संभाजी, संभाजी इनके उत्तराधिकारी थे। तो और संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड जो विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। फिर संभाजी के बाद कौन आते हैं, संभाजी के बाद आते हैं राजाराम, राजाराम इनके उत्तराधिकारी थे। पहले थे शिवाजी, फिर संभाजी और फिर आते हैं राजाराम। तो जो राजाराम थे, राजाराम मुगलों के संघर्ष से करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था। तो ये 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है, राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। और उसके बाद क्या होता है, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो संभाजी के पुत्र थे, इनकी कैद में थे। तो जो औरंगजेब के कब्जे में जो था भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू जिनका नाम था, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है जिसमें साहू विजय हुआ और साहू ने 1708 ईस्वी में, कब, 1708 ईस्वी में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। तो इतना कुछ आगे भी हम इनके तरफ बात करेंगे। जिसके बाद 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई थी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब फील्ड टू डिफीट शिवाजी बिकॉज द, यानी कि औरंगजेब शिवाजी को हराने में असफल रहा क्योंकि मुगल सेना असहनीय हो गई यानी कि मुगल आर्मी ग्रू अनमैनेजेबल, या फिर मराठास वर एक्सपर्ट इन गोरिल्ला वॉरफेयर। ये सही है, मराठा जो थे गोरिल्ला वॉरफेयर के विशेषज्ञ थे। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ऑप्शंस की तरफ हम बढ़े, मुगल्स होल्ड नो आर्मी, मुगलों की कोई नौ सेना नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। मुगल जनरल्स वर क्रिटिशियर्स यानी कि मुगल सेनापति विश्वासघाती थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं था उस टाइम पर। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए सी डी
रॉन्ग हो गए, बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पेशवास वाज पॉपुलरली नॉन एज नाना साहेब, यानी कि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अब पेशवाओं की बात करें तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम था, जिसने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम जो कि मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा, जो मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी, और 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना और 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। जो बालाजी बाजीराव का को क्या बोला गया, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो निम्नलिखित पेशवाओं में से किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता था, तो बालाजी बाजीराव, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर बिटवीन, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होती है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये 1761 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1761 एडी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठा की हार हुई थी, यानी कि मराठा इसमें हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होता है। तो हम तीनों बैटल ऑफ पानीपत की यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट जो हुई थी कब हुई थी, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुई थी और किस किस के बीच, बाबर वर्सेस हुई थी इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हारते हैं। अब बात करें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होती है, अकबर और हेमू विक्रमादित्य, किस किस के बीच, अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य, जो कि लास्ट हिंदू एम्परर था, यानी कि लास्ट हिंदू किंग था। तो ये कब होती है, 1556 ईस्वी में, इसमें कि अकबर की विजय होती है और हेमू विक्रमादित्य आंख में तीर लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये हार जाते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है ये कब होती है, 1761 में, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें कि मराठाओं की हार होती है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन आते हैं, छत्रपति साहू जी फर्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं सामाजी, अभी हमने बात की है सामाजी, फिर आते हैं राजा राम, और उसके बाद आते हैं कौन, शिवाजी द्वितीय, यानी कि फोर्थ। तो यदि हम क्रम देखें तो 1 3 2 4, यानी कि डी को ये फॉलो करेगा, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ, यानी कि किसकी लड़ाई में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। तो शिवाजी ने मुगलों को साल हर की लड़ाई में हराया था, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठास पॉलिटिक्स, यानी कि मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता था। तो मराठा का चाणक्य कहा जाता था किसको, नाना फडणवीस को, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।